वेलकम बैक फ्रेंड्स नाउ लेट एस सी द मेजर्स टू इंक्रीज एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी नाउ व्हाट लेट इस डिफाइन प्रोडक्टिविटी अगेन है तो प्रोडक्टिविटी का मीनिंग है प्रोडक्शन पर हेक्टर ऑफ लैंड राइट एक हेक्टर में कितना अनाज या कितना प्रोडक्शन होता है फूड क्रॉप का उसको हम प्रोडक्टिविटी बोलते हैं तो प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए कौन से मेजर्स है कौन से तरीके हैं विच आर द मैथड्स विच आर बीन एडोप्टेड नाउ सी वी नो दैट एग्रीकल्चर सेक्टर मेन ऑक्यूपेशन है हमने आगे देखा था वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पिलर है ऑफ इंडियन इकोनॉमी हमने वो भी आगे देखा था कि एग्रीकल्चर इनकम एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ेगा या एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी जब इंक्रीज होगा तो रूरल uh, पॉपुलेशन का इनकम बढ़ेगा और उसके कारण इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर का भी डेवलपमेंट होगा बिकॉज उनका गुड्स uh, का डिमांड होगा एट द सेम टाइम इट विल गिव अ सोल्यूशन फॉर एम्प्लॉयमेंट अर्बनाइजेशन माइग्रेशन एंड इनक्वालिटी ऑफ इनकम ये सबका सोल्यूशन यानी इंडिया के जो बर्निंग प्रॉब्लम्स है उनका सोल्यूशन दो चीज में है डेवलपिंग एग्रीकल्चर एंड डेवलपिंग इंडस्ट्रीज नाउ प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए वी कैन डिवाइड इंटू द फॉलोइंग थ्री मेन कैटेगरीज इंस्टीट्यूशनल मेजर्स बिकॉज हमने देखा कि इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स ही रिस्पॉन्सिबल है ना लो प्रोडक्टिविटी के लिए टेक्नोलॉजिकल मेजर्स एंड अदर मेजर्स यानी जो भी कारण थे वही उनका सोल्यूशन भी होगा उसका ऑपोजिट सो इंस्टीट्यूशनल मेजर्स की बात करें टू इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी इकोनॉमिक प्लानिंग हैज अंडरटेकन इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स और उसके कारण एग्रीकल्चर डेवलपमेंट होगा कौनसे मेथड है वन इज लैंड रिफॉर्म्स तो यू कैन सी जमींदारी सिस्टम एबॉलिश हो चुका है एक ऐसी लॉ बनी है तो लॉ टू एबॉलिश जमींदार सिस्टम खेती करने वाले खेलूट खेड तो, को प्रोटेक्ट करने का रेंट कंट्रोल करने का भाड़ा कंट्रोल करने का ये सारे लॉज राइट इंडिया में इंप्लीमेंट हुए इट प्रोवाइड्स फॉर ओनरशिप ऑफ लैंड टू फार्मर्स हमने बोला ना खेडेट एनी जमीन एंड लैंड लेबर में प्रोटेक्शन टू टिल लैंड फार्मर का एक्सप्लोटेशन स्टॉप करना एंड टू सी दैट फार्मर्स को अपना क्रॉप में उनका शेयर बढ़ जाए सो बेसिकली व्हाट हैपन्स अगर फार्मर को अपनी लैंड पे अधिकार मिले तो वो अच्छा टेक्निक यूज करेगा और प्रोडक्टिविटी बढ़ाएगा सेकेंड है टू मेक अवेलेबल इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट यानी फाइनेंस क्रेडिट इन दिस केस इज फाइनेंस और इंस्टीट्यूशन मीन्स बैंक का फाइनेंस ऑफिशियल फाइनेंस सेट जो कम इंटरेस्ट रेट पे होगा मनी लेंडर्स का एक्सपर्टेशन से बचाने के लिए सो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट डेट कॉल नाबाद व सेटअप इन 1982 जो नाबाद जो है ना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एक बॉडी है और उसका मेन क्या था फोकस होना है स्पेशल फोकस ऑन एग्रीकल्चर सेक्टर ऐसे ही रीजनल रूरल बैंक्स सेटअप हुए गवर्नमेंट ने लैंड डेवलपमेंट बैंक्स डेवलप डेवलप हुए और उनका काम क्या है टू प्रोवाइड या सो बेसिकली क्या होगा दिस बैंक्स जो है वो दे प्रोवाइड चीप एंड इनफ क्रेडिट क्रेडिट मींस लोन्स टू इंडियन फार्मर्स देन थर्ड इज इम्प्रूवमेंट इन द स्ट्रक्चर ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग राइट तो एग्रीकल्चर मार्केटिंग को सेटअप करने के लिए कुछ स्टेप्स लिए गए हैं लाइक रेगुलेटेड मार्केट्स हैव सेटअप, देन है क्लासिफाई एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एज पर देर क्वालिटी द एगमार्क कॉल एग्रीकल्चर मार्केटिंग हैज बिन इंट्रोड्यूस नेशनल वेअर हाउस कॉरपोरेशन से वे स्टेट वेयर हाउस कॉरपोरेशन इज ताकि फार्मर्स का जो प्रोडक्शन है प्रोड्यूस है उसको गोडाउन में रख सकते हैं सेफली ताकि उसको टाइम का वैल्यू बढ़ सके टाइम यूटिलिटी बढ़ाने के लिए देन इन सिस्टम्स हैव बीन डेवलप्ड कि फार्मर को प्राइजेस का इंफॉर्मेशन प्रोवाइड प्रोवाइड हो सके एट द सेम टाइम फार्मर्स को मार्केट प्राइस में जो चेंजेस आते हैं उससे बचाने के लिए बॉटम प्राइस इज अनाउंस मिनिमम प्राइस हैज़ बीन बाय द गवर्नमेंट सो नाउ फार्मर्स विल नो कि इससे कम तो बेच, 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 बेचन, बेचने का ही नहीं है द फोर्थ सेक्टर इज अबाउट एग्रीकल्चरल रिसर्च सी इंडियन फार्मर्स खुद रिसर्च नहीं कर पाएंगे खुड़ वो खुद एडुकेटेड कम है तो ये ड्यूटी जो है ना नाबार्ड को मिला है तो नाबार्ड रिसर्च करता है फार्मर्स को नॉलेज देता है फार्मर्स को ट्रेनिंग देता है वो तो फार्मर्स क्या करेंगे ट्रेडिशनल टेक्निक से कल्टीवेट नहीं करेंगे ना दे कैन यूज मॉडर्न टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन राइट सो डिमांड जितना बढ़ेगा उतना वो ज्यादा प्रोड्यूस कर पाएंगे वो उनका इनकम बढ़ा सकेंगे मार्केट का जो डिमांड है उसके हिसाब से वो प्रोवाइड कर पाएगा सो एग्रीकल्चर रिफॉर्म प्रोग्राम्स गवर्नमेंट ने लॉन्च किए कलेक्टिव रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स आर लॉन्च पंचायती राज सिस्टम इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स जन धन योजना ये सारे प्रोग्राम्स अल्टीमेटली एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज करने के लिए चालू किए गए और इससे एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगा ओके नाव लेट्स टॉक ऑफ द टेक्नोलॉजिकल चेंजेस नाउ सही अब तक हमने जो देखा वी टॉक ऑफ द इंस्टीट्यूशनल मेजर्स नाउ लेट्स दॉजिकल मेजर्स टू इम्प्रूव एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी फर्स्ट इज यूजिंग ऑफ इंप्रूव सीड्स हाइब्रिड सीड्स या इंप्रूव्ड सीड्स आर डेवलप्ड बाई साइंटिफिक इन्वेंशन और ये जो सीड्स है

ज नोन एट द प्लेस ऑफ एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन एज द सीड रिवॉल्यूशन ग्रीन रिवॉल्यूशन बोलते हैं सीड रिवॉल्यूशन बोलते हैंपोरेशन दीकल्चर यूनिवर्सिटीज जो ये डेवलपमेंट करते हैं सेम वे केमिकल फर्टिलाइजर का यूज हमने बढ़ा दिया है इम्प्रूव सीज के साथ साथ केमिकल फर्टिलाइजर्स भी हम यूज कर रहे हैं और ये केमिकल बेस्ड फर्टिलाइजर्स प्लांट को न्यूट्रिशन देते हैं प्लांट्स को जल्दी ग्रो करने में हेल्प करते हैं राइट right? ये फर्टिलाइजर्स बेनिफिशियल है प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए उसमें कौन से हैं नाइट्रोजन फॉस्फेट पोटैश एंड अदर केमिकल्स मेली क्रॉप में यूज होते हैं और ये जो केमिकल बेस्ड फर्टिलाइजर्स जो है दे आर प्रोड्यूस्ड बाई द पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज यानी जैसे क्रिपको कंपनी है क्रिप्को right? क्रिपको कृषक भारती कॉरपोरेशन लिमिटेड क्रिपको क्रिपको एक बहुत बड़ी कंपनी है जो गवर्नमेंट सेक्टर की है और जो फर्टिलाइजर बनाती है और इंडिया में फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एफ सी आई एफ सी आई एल तो ये सी ये सारे कंपनीज जो है राइट दे प्रोड्यूस फर्टिलाइजर्स गुजरात नर्मदा फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन जी एन एफ सीट एफ सी आई एल क्रिपको और ये सारे फर्टिलाइजर्स हम इम्पोर्ट भी करते हैं अमेरिका से खास करके एट द लो एंड डिस्ट्रीब्यूटर लोअर रेट्स गवर्नमेंट सब्सिडी दे के ये फर्टिलाइजर्स को फार्मर्स को पहुँचाती है तो फर्टिलाइजर्स का यूज़ इंडिया में बढ़ गया है इरीगेशन फैसिलिटीज़ का प्रमाण बढ़ाना इसी रेनफॉल अनसर्टन है फार्मर्स अगर बारिश पर डिपेंड करेगा तो वो क्रॉप का प्रोडक्शन बराबर होगा ही नहीं कई बार बारिश ज़्यादा होगा कई बार कम होगा कई बार लेट होगा कई बार अर्ली होगा और वो नहीं चले ना खा खेती के लिए तो इनएडिक्ड फैसिलिटी ऑफ इरीगेशन ही हमारा मेन प्रॉब्लम है इट्स अ बिग इशू ऑफ एग्रीकल्चर और ये दूर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा हमें इरीगेशन फैसिलिटीज डेवलप करने पड़ेंगे हमें स्मॉल स्केल और मीडियम स्केल इरीगेशन प्रोजेक्ट्स लॉन्च करने बड़े बड़े डैम के जगह पर छोटे चेक डैम्स यहाँ पे काम करेंगे सो so, इसके लिए डेवलपमेंट प्रोग्राम ऑफ इजुकेशन सेक्टर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड वॉर सेटअप बाय इंडिया और नाबार्ड भी ऐसे प्रोजेक्ट्स को डेवलप करती है प्रोजेक्ट को फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है नेक्स्ट मेथड है यूज ऑफ मशीन मशीन का यूज से प्रोडक्टिविटी बढ़ती है सो so, इंजीनियरिंग और ऑटोमोबाइल सेक्टर डेवलप होने के कारण ट्रैक्टर ट्रेलर थ्रेशर इलेक्ट्रिक पंप सेट इंजन ऑयल पेस्टिसाइड स्प्रिंकलर पंप ये सब मशीन्स आर इन्वेंटेड और ये मशीन्स बहुत हेल्पफुल है टू हैव मोर देन वन क्रॉप इन अर कम आदमी में ज़्यादा आप काम कर पाएंगे नेक्स्ट इज डेवलपिंग गुड पेस्टिसाइड यूजिंग गुड पेस्टिसाइड्स डिजीज और इंसेक्ट से बचाने के लिए गुड क्वालिटी के साइंटिफिकली डेवलप पेस्टिसाइड यूज करेंगे तो वेस्ट कम होगा क्रॉप का डिस्ट्रक्शन कम होगा और प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी सॉइल का टेस्टिंग करना बहुत आवश्यक है इट इज वेरी एसेंशियल कि फार्मर को मालूम हो कि कौन से सॉइल में कौन सा क्रॉप उग पाएगा या सॉइल में क्या खामी है तो डेफिशिएंसी दूर करना क्रॉप सिलेक्शन करना सीड सिलेक्शन करने के लिए सॉइल टेस्टिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट सो द लैंड कैन बी मेड फेवरेबल टू क्रॉप एंड इफ द लैंड इज फेवरेबल टू क्रॉप प्रोडक्टिविटी हाई हो जाएगा सो so, ये यूनिवर्सिटीज या रिसर्च सेंटर्स में सॉइल का टेस्टिंग करना जरूरी होता है तो ये हुआ सेकेंड मैथड नाउ थर्ड मैथड इज द अदर मैथड्स द अदर मेजर्स टो टू इम्प्रूव एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी फार्मर्स आर नीडेड टू बी एडुकेटेड और दे मे बी वेल इन्फॉर्म अबाउट न्यू टेक्नोलॉजी टू ब्रिंक चेंजेस इन दर्किंग पैटर्न तो हमें फार्मर को एडुकेट करना पड़ेगा वी नीड टू एडुकेट द फार्मर्स देन दे शुड बी अवेकंड फ्रॉम फ्रॉम बैड कस्टम्स सी गाँवों में जो ऑर्थोडॉक्स कस्टम्स है उनको उससे जगरा, जगाना पड़ेगा दे कैन बी एक्सप्लेन नॉट टू बिलीव इन फेटलिज्म इंडियन फार्मर्स फेटरिस्ट है हम आगे का वीडियो में देखा था तो हमें उनको अवेयर करना पड़ेगा उनका माइंड सेट चेंज करना पड़ेगा Then measures like agriculture fair, mela, mela, or okay, mela bolte can be used to increase agricultural productivity. Agriculture kya Agriculture allied activities like cattle rearing, poultry farming, food processing, jungle development, and others can be used to reduce the dependency of agriculture. और इससे भी एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बढ़ सकती है अगर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को हम गांव के एरिया में एक्सपांड कर सके तो ये इंडस्ट्रीज कैन सपोर्ट एग्रीकल्चर डेवलपमेंट दे कैन एंड देट कैन मेक अ इंप्रूवमेंट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी ईजियर एंड पॉसिबल इन रियलिटी तो ऑल दीज आर डिफरेंट मेथड्स से हमने देखा ये वीडियो में मेजर्स टू इंप्रूव एग्रीकल्चर विवाइडेड इंटू थ्री कैटेगरी कौन से मैथड क्या था इंस्टीट्यूशनल मैथड्स टेक्नोलॉजिकल मैथड्स एंड अदर मेजर्स और इंस्टीट्यूशनल मेजर्स में लैंड रिलेटेड रिफॉर्म्स क्रेडिट के रिलेटेड रिफॉर्म्स एग्रीकल्चर मार्केटिंग रिलेटेड रिफॉर्म्स रिसर्च रिलेटेड इसमें यह चार आगे दैन टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स में सीड्स

गाँवों में छोटे छोटे इंडस्ट्रीज बढ़ेगा तो एग्रीकल्चर में डिपेंडेंसी कम हो जाती है तो ऑल दीज कंबाइन टूगेदर टू डेवलप एग्रीकल्चर है टू रिमूव द प्रॉब्लम्स ऑफ एग्रीकल्चर चलो तो ये वी एंड दिस वीडियो यर अब एक टॉपिक बाकी है मॉडर्न एग्रीकल्चर तो वो उसको हम बाद में देखेंगे सो मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो फ्रेंड्स बाय बाय